अभी रात के कितने बजे होंगे? अभी 11:30 बज गए, 12 बजे होंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरएस किशोर व्लॉग्स। तो दोस्तों अभी बजे हुए हैं 11:40 और अभी खाना जो है बना रहा हूँ मैं दिन के लिए, और उसके बाद खा के ड्यूटी जाता हूँ। ये देखिए, आपने देख ही लिया है रूम का, और अभी ये गद्दा ले रखा है क्योंकि जो सर थे आपको पता ही है, वहाँ से लेके आए हैं, उन्होंने दिया है ये गद्दा। वहाँ ऐसे ही पड़ा था ये जहाँ मैं फर्स्ट दिन रुका था, ये गद्दा। और इसमें दो लोग आराम से आ जाते हैं, बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है। और बाकी ये हमारा किचन सेट हो गया है, यहाँ पे बनाते हैं खाना। रात में, कल रात 12:30 बजे खाया खाना, लेट हो गई थी थोड़ा, और बनाने में भी टाइम लग गया था। ये देखिए, और अभी भी दाल चावल बना रखा मैंने थोड़ा सा, और खाता हूँ चलता हूँ, फिर रात को अलग से बनाना पड़ेगा। और सुबह कुछ नहीं बनाते हैं क्योंकि उठ नहीं पाते हैं सुबह जल्दी, आपको पता ही है, रात को कभी 10 बजते कभी 11 बजते हैं, तो उस हिसाब से आते हैं, खाना बनाते हैं, 1 घंटा उसमें लगता है खाने पीने में, फिर थोड़ा मोबाइल चलाओ तो 1 बजे तक सोते हैं। तो दोस्तों खाना खाता हूँ, उसके बाद चलता हूँ ड्यूटी को। और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट करके, किस टाइप के मेरे ब्लॉग लग रहे हैं। मैं डेली लाइफ ब्लॉग बना रहा हूँ, डेली ब्लॉग का सिंपल लाइफ है, आपको पता ही है, बस ड्यूटी जाना ड्यूटी आना। अभी वीक ऑफ नहीं हो रहा मेरा क्योंकि बैकएंड देखता हूँ मैं यहाँ पे, तो वहाँ पे अभी जो पहले जो थे वो छुट्टी गए हैं 5 दिन की, इस वजह से वीक ऑफ नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही वो आएंगे अपनी छुट्टी कंप्लीट करके कल परसों में, तो उसके बाद मेरे को वीक ऑफ मिल जाएगा। वैसे वीक ऑफ का फिर यहाँ पे काम भी क्या है, मतलब एक ये है कि रात को रेस्ट मिल रहा है, अभी दिन सुबह से दोपहर तक रेस्ट मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे वैसे। तो दोस्तों ब्लॉग कैसे बन रही है ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट बहुत कुछ आ नहीं रहे हैं, और जब कमेंट आएंगे तभी मेरे को पता चलेगा किस टाइप की मेरी वीडियो बन रही है। बस सिंपल है, जो रियल है वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इसमें बड़ा चढ़ा के या मसाला लगा के ऐसा टाइप की वीडियो तो ये है नहीं, और सिंपली एडिटिंग भी करता हूँ मैं इसमें। तो सपोर्ट कीजिए ज़रूर और शेयर कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं आगे को आपको कुछ टाइम के बाद। तो दोस्तों जा रहा हूँ ड्यूटी, ये देखिए इतनी गाय है, हरियाणा गाय, भैंस भैंस सॉरी, हरियाणा की गाय भी है भैंस भी है। तो दोस्तों जा रहा हूँ ड्यूटी, ये देखिए इतनी गाय है, हरियाणा गाय, भैंस भैंस सॉरी, हरियाणा की गाय भी है भैंस भी है। ये देखिए ट्रैफिक, पहाड़ों में तो ठंडा होने लग गया, यहाँ गर्मी हो रही, फिलहाल ठंडा नहीं है, सुबह शाम थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए इसके अंदर 3-4 गाड़ियाँ आती है नई वाली, इधर उधर ट्रांसफ़र के लिए जाती है। ये पूरा मॉल एरिया है, एरिया मॉल यहाँ तक, और ये वाला है अपना GMD। तो दोस्तों आज अभी बजे है 10:30 रात के, आज नाइट ड्यूटी है 3 लोगों की, एक मैं हो गया और एक दूसरा सेल्स ऑफिसर और एक स्टाफ है इंद्रजीत जो मेरे साथ रूम पे रहता है, 3 लोगों का, क्योंकि हमारे जो स्टॉक है उसे पैक करना है, कल सुबह गाड़ी आएगी तो वो जाना है, और आज रात जो है वो किसी भी हाल में उसको पैक करना है, तो इसलिए आज नाइट ड्यूटी है। और तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, और चलते नीचे, अभी खाना आ रहा है हमारा मार्केट से, उसके बाद करते हैं खाना, उसके बाद ड्यूटी स्टार्ट करते हैं अपना पैकिंग का। चले चलते हैं नीचे खाने का। तो तुम, अरे यार तुम्हारे पास खत्म हो गई ना क्या? नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें तो हो ही रहा होगा नमक। नाइट ड्यूटी का खाना टिकटॉक में, टिकटॉक में, टिकटॉक में, उत्तराखंड वाले लौंडे ना, शौक शौक में मैं तेरे सही बता रहा हूँ, मेरी जितने फ्रेंड है
बहुत सारे लोग दोस्त उत्तराखंड के अपने शौक में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। होता है, ये तुमने सही बात कही। मतलब मैंने तो कितने तुम्हारे तरफ के कितने मतलब देखा, 10,000 भी जाते हैं। अभी रात के कितने बजे होंगे? अभी 11:30 बज गए, 12 बजे होंगे। ये सारे काटने पड़ने पे नहीं छुट्टी। तो दोस्तों रात का डिनर हो चुका है और ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ और अब हम काम स्टार्ट करेंगे। और 12 बजे गए काम कंप्लीट करने हमें, जो आर्टिकल है वो पैक करने हैं। कमल किशोर, हाँ ये देखो।